आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, एक बहन ने पूछा था मेरे से कि भाई मुझे ये बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूं, क्या मैं योग में एडमिशन ले सकती हूं? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि ये प्रश्न जायज है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो देखिए, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और वो योग में एडमिशन लेना चाहती है, तो क्या वो पढ़ाई कर सकती है? अब आप सोचिए कि दूसरे जो स्ट्रीम्स होते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें वो इजीली एडमिशन ले सकती है। आपका हिंदी है, आपका अंग्रेजी है, या एक्स वाई जेड कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। चाहे आपकी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए हैं, या आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हुए हैं, या कितने भी महीने हो सकते हैं, हो सकता है नोवा ही महीना चल रहा हो, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है योग में कि क्या योग में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ जगह पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और बल्कि कुछ जगह पर तो ये लिखा जाता है 1 साल या 2 साल का जो भी कोर्स होता है, कि इस दौरान आपको बेबी कंसीव नहीं करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो आपको योग की क्रियाएं करवाई जाएंगी, आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, ये सब क्रियाएं कराई जाएंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में, या किसी कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये बाउंडेशन होती है कि आप योग का कोर्स नहीं कर सकते अगर आपने बेबी को कंसीव कर रखा है। चाहे आप 1 महीने का बेबी हो या 2 का, 3 का, 6 का, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, रास्ते हर चीज के निकलते हैं। पहले तो फीमेल जो होती थी वो डिस्टेंस से कोर्स कर लेती थी, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, कोई बात नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में या तो ऑनलाइन क्लास हो जाती है या कुछ 5-10 दिन की वर्कशॉप हो जाती। अब रेगुलर की बात आती है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दूसरे कोर्स को कर सकती है। अब पर्सन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सर ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति से अगर सत्कर्म नहीं होता है तो क्या वो योग में एडमिशन नहीं लेगा। आपने देखा है कि उसके सत्कर्म होता है कि नहीं होता है, या उसने पहले आपको बता दिया कि सर मेरे से सत्कर्म नहीं होता है, मैंने खूब प्रयास कर दिया है, मैंने डिप्लोमा कर रखा है, मैंने खूब प्रयास किया, डिप्लोमा में मुझसे सत्कर्म नहीं हुआ, अब मैं योग से MA MSc करना चाहता हूँ, तो क्या आप एडमिशन नहीं लेंगे? आपके लिए पर्सन, आप मुझे बताइए। या कोई व्यक्ति कहता है सर देखो मैंने डिप्लोमा डिग्री मतलब डिप्लोमा कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, मेरे शासन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मैं MA MSc योग करना चाहता हूँ या डिप्लोमा योग में करना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या आप उसका एडमिशन नहीं लेंगे, है ना पर्सन? अब अगला पर्सन ये भी खड़ा होता है कि काफी फीमेल्स होती हैं जिनको हर मंथ 5 से 7 दिन या 10 दिन तक प्रॉब्लम्स होती हैं, उस दिन वो आसन नहीं कर सकती, उस समय वो आसन नहीं कर सकती बिल्कुल भी। ऐसी बहुत भाई बहनें हैं, ऐसी बहुत महिलाएं हैं, तो क्या आप उसका एडमिशन नहीं देंगे? वो आके पहले आपको बता दे कि सर मुझे 10 दिन पीड़ा होती है, हर महीने प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप उसे एडमिशन नहीं देंगे? अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि कितने दिन की जो बहन है प्रेग्नेंट है, यानी अभी प्रेग्नेंट है, या मतलब बेबी कंसीव किए उन्हें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, कितने महीने हो गए, ये तो महत्वपूर्ण है ही। अगर वो बिल्कुल डिलीवरी के नज़दीक है, बिल्कुल ले सकते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पर्सन ये भी खड़ा होगा कि सर अभी मेरी डिलीवरी हुई है, क्या मैं योग में एडमिशन ले सकती हूँ? तो पर्सन खड़ा हो सकता है। देखिए, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आपके नज़दीक है बिल्कुल कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो भी, तो कोई बात नहीं, आप 20 दिन बाद, हमने बहुत देखा है काफ़ी महिलाएं होती हैं कि डिलीवरी के 5 दिन 10 दिन बाद एग्जाम देने आती हैं, एग्जाम अच्छा देती हैं, अच्छे मार्क्स से पास होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्योरी तो सब्जेक्ट में पढ़ सकती है जी, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट में तो चाहे प्रेग्नेंट वीमेन हो, कितने ही महीने की प्रेग्नेंट हो, वो आराम से थ्योरी क्लास पढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन चीने लगता है प्रैक्टिकल। तो क्या
मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पा रही 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो क्या मैं योग की डिग्री नहीं कर सकती? यह आपके लिए प्रश्न है, मुझे बताइए। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं, मैं भी पारंगत नहीं हूँ इस चीज़ में। अगर आप एक्सपर्ट हैं या इस चीज़ में रुचि रखते हैं तो आप मुझे बताइए। दूसरा, मान लेता हूँ कि वो जो बहन है जो प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है या 6 महीने की प्रेग्नेंट है या 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मैं वहाँ बैठकर क्या प्रैक्टिकल नहीं देख सकती हूँ? मुझे करना ही क्या जरूरी है? बच्चे कर रहे हैं, क्या मैं वहाँ पीछे बैठकर अलग से साइड में बैठकर उन अभ्यासों को देख नहीं सकती? जब एक बच्चे से षटक्रम नहीं होता है, षटक्रम की वो क्रियाएं देख लेता है कि कैसे होती हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा समझ रहा है, देख रहा है, खुद से बस हो नहीं रहा, तो ऐसे एक जो प्रेग्नेंट वीमेन है, क्या वो बैठकर देख नहीं सकती है? क्योंकि तो देखने से, सुनने से भी तो, अब क्लास में बच्चा देख पढ़ रहा है तो देख ही रहा है, सुन रहा है, तो ऐसे जो प्रैक्टिकल अभ्यास है उनको देख कर या सुनकर क्या नहीं सीखा जा सकता? सीखा जा सकता है, हाँ, इम्प्लीमेंट वो बाद में कर सकते हैं अपने ऊपर, जब वो डिलीवरी हो जाती है उनकी, तो उसके बाद वो 1 महीने बाद हल्के हल्के आसन करके, प्राणायाम करके कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है, मुझसे मान लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने एडमिशन ले लिया है, मान लीजिए कोई बहन है उसने एडमिशन ले लिया है, वो तो कितने भी महीने की प्रेगनेंट हो सकती है, 1 महीने से लेकर 8-9 महीने तक, तो वो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर प्रैक्टिकल की हर क्रिया करें। मान लेते हैं वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि मैं हर आसन करूं, जो मेरे अनुकूल आसन हो मैं कर सकती हूँ, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से आसन नहीं होते तो क्या मैं प्राणायाम नहीं कर सकती, प्राणायाम कर सकती हूँ, क्या मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। तो फिर कहाँ आपका योग छूटा है, कहाँ आपकी प्रैक्टिकल छूटी है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक जो महिला होती है वो, जो उससे आसन नहीं होते या उसके जो ट्राइमेस्टर होता है, बल्कि आजकल तो योगाभ्यास करवाया जाता है कि बेबी कंसीव से पहले आपको ये आसन या प्राणायाम का अभ्यास करना है, और फर्स्ट मंथ में आपको ये करना है, सेकंड मंथ में आपको ये करना है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ये करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये करना है, थर्ड जो तिमाही होती है, अंतिम तिमाही, उसमें ये अभ्यास करना है, करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसके अकॉर्डिंग जो अभ्यास है वो कर सकती है, जितना उससे होता है वो कर सकती है अभ्यास, प्राणायाम तो कर ही सकती है, जो जो उनसे होते हैं अनुकूल है उनके शरीर के, तो क्यों एक जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो एडमिशन नहीं ले सकती है? तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे से आसन होंगे या मैं पसीनोत्तान करूं या चक्रासन करूं या दूसरी स्ट्रेचिंग का आसन करूं तो ही मैं एडमिशन ले सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता है। अगर प्रैक्टिकल वो कुछ दिन नहीं भी कर पाती है तो क्या जरूरी है? अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है, हमने खूब देखे ऐसे बच्चे भी, एडमिशन ले लिया, प्रैक्टिकल बहुत अच्छी है, एडवांस आसन अच्छा करता है, प्राणायाम भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, सब क्रियाएं करता है, षटक्रम वगैरह सब करता है, लेकिन वो बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, लगातार 1 साल तक का अभ्यास नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या उसका नाम काट देना चाहिए? क्या उसको योग में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या वो योग का पूरा कोर्स नहीं कर सकता है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका क्या मानना है, क्योंकि हम इसी समस्या को मिलकर ही सोल्व करेंगे, समाधान करेंगे। जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पैर में चोट लग जाती है, हाथ में कोई दर्द हो गया या गर्दन में कोई दर्द हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई सिजेरियन हुआ है अचानक किसी कारण वजह से, तो वो कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने आसन या प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकता, तो क्या प्रेग्नेंट वीमेन एडमिशन नहीं ले सकती है? क्या वो योगाभ्यास नहीं कर सकती है? अब मुझे बताइए, क्या उसे प्रैक्टिकल करना ही जरूरी है? क्या वो थ्योरेटिकल क्लास में प्रैक्टिकल नहीं सीख सकती है? क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास में भी प्रैक्टिकल विधि को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, तो हम, मैंने बताया ना कि देखकर और सुनकर भी तो हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो बाद में जब लगता है कि डिलीवरी हो गई है कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद, जैसे वो कंफर्ट फील कर सकती है वो बहन, तो डेफिनेटली वो अभ्यास कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इतने सख्त रूल योग में नहीं होने चाहिए कि प्रेग्नेंट वीमेन एडमिशन नहीं ले सकती है, ऐसा कतई ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। ये अगर ऐसा होता है तो ये महिलाओं के साथ
मुझे लगता न्याय है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ। अगर आप बहन हैं, महिलाएं हैं, भाई हैं, जो भी हैं, योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपकी समझ क्या कहती है, मुझे आप ये जरूर बताइए। कुछ तर्क मैंने आपको दिए हैं, कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, आप कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, मेरी बातों से कितने आप संतुष्ट हैं, मैंने सही बात कही है या नहीं कही है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप जरूर बताइए। क्योंकि मैंने कुछ जगह पर ऐसा देखा है कि प्रेग्नेंट वीमेन को एडमिशन नहीं मिलता है योग में, योग के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में ले सकती है, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी इंस्टीट्यूट में, जो भी सब्जेक्ट हो सब में एडमिशन ले सकती है, योग में एडमिशन नहीं देते। क्यों नहीं देते, तर्क क्या देते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं कर सकती। अब प्रैक्टिकल की सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि मुझे कोई चोट लगी हुई है भयंकर कमर में, मैंने एडमिशन ले लिया, मैं डेली क्लास में बैठता हूँ, मुझसे आसन होते नहीं हैं, तो क्या मेरा नाम काट दिया जाएगा? आप बताइए क्या होगा अगर वो प्रेग्नेंट वीमेन है। क्योंकि अगर उसके अंदर की प्रॉब्लम है, जैसे मेंसिस की प्रॉब्लम है, भयंकर प्रॉब्लम है, अगर वो ना बताए तो आप एडमिशन कर लेते हैं, और फिर जब वो प्रैक्टिकल करती है और जब वो बताती है अपनी समस्या कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या करता है, हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो आप हल्का अभ्यास कर लीजिए या साइड में बैठ जाइए, यही कहता है ना। तो ऐसे प्रेग्नेंट जो वीमेन है उसको क्यों नहीं कहा जा सकता कि आप साइड में बैठ जाइए, आप देख लिए, देख लीजिए, आप सुन लीजिए, या जितना आपसे होता है, जैसा आपसे होते होता है वैसा आप कर लीजिए, या डेली जो रूटीन में अगर आप करते हैं अभ्यास तो वो आप कर लीजिए, या मुझे लगता है उसकी अलग क्लास भी लगाई जा सकती है। जो प्रेग्नेंट एक या दो वीमेन्स हैं या तीन वीमेन्स हैं, उनको अलग से भी सिखाया जा सकता है कि किसी का जो ट्राइमेस्टर चल रहा है, कोई महीना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्राणायाम, आसन, मुद्रा बंद बता सकते हैं कि आप ये कीजिए इस महीने, तो अगले महीने फिर हम आपका अलग से शेड्यूल बनाएंगे। तो कॉमन बच्चों की क्लास चल रही है, जो प्रेग्नेंट वीमेन वो अलग से बैठ के, अलग मैट लगा के अपना कर सकती है, चेयर पे बैठ के कर सकती है, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, प्रेग्नेंट वीमेन आराम से योग कर सकती है, जो पेपर दे सकती है बेंच के ऊपर बैठ के। हमने ऐसा देखा है कि आज वो पेपर दे रही है, कल उनको डिलीवरी हो गई, और हमने ऐसा भी देखा है कि आज डिलीवरी हुई है, कल वो पेपर देने पहुंच जाती है। तो महिलाएं जुझारू हैं, जुनूनी है, उत्साही है, सिजेरियन से बच्चा हुआ उसके 10 दिन बाद भी वो पेपर देने पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहती, वो सीखना चाहती है, वो जानना चाहती है, वो योग का जीवन जीना चाहती है, वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन जब उन्हें दाखिला नहीं मिलता है और ये तर्क दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं कर सकते हैं इसलिए आपका एडमिशन नहीं होता है, तो मुझे लगता है ये महिलाओं के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता है। तो चलिए, मेरी तो ये बातें थी आपके सामने मैंने रखी हैं, आपका क्या मानना है मुझे जरूर बताइए। मैं एक एक कमेंट को बड़े ध्यान से देखूंगा, और हो सकता है आप मैं जो बातें बता नहीं पाया हूं कुछ उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बातें आप मुझे बता दें, और उन बातों का जो आप कमेंट लिखेंगे, आपके जो अपने विचार रहेंगे, उन बातों का हो सकता है बहुत से लोगों को लाभ मिल जाए, और कुछ लोगों की जो बंद आंखें हैं वो आंखें भी खुल जाए, है ना। तो आप जरूर बताइए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत